हमें अपना स्नेह व प्यार देने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही अलार्म बटन दबाएं और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज युवा वर्ग खासकर कुछ आदतों से इतना ज़्यादा अग्रसित है, जिसके कारण से कई लोगों के परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यसन होते हैं जिनके कारण परिवार में विघटन पैदा हो जाता है। उन्हें आर्थिक परेशानियां, मान सम्मान व कई चीज़ों की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। किसी व्यक्ति को मदिरा की लत लग जाती है, किसी को जुए की लत लग जाती है, कोई गुटखा खाता है तो कोई तम्बाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है। ये व्यसन की बात है। अब कई भाई बहनों को, किसी को चुगली करने की आदत होती है, किसी को क्रोध करने की आदत होती है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है। हम सब इन आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जब यदा कदा हम किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, या तो परिवार के दबाव में या फिर हम अपनी स्वेच्छा से उन चीज़ों को छोड़ने का वहाँ से संकल्प लेकर के आते हैं, और जब संकल्प लेकर के आते हैं कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर हम किसी न किसी रूप में उस बुराई को चालू कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने सिगरेट पीते हैं, और आपने यदि संकल्प लिया कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो आप एक दो महीने तो ठीक रहते हैं, उसके बाद आप बीड़ी पीने लगते हैं। जब आपके परिवार के आपके इष्ट मित्र पूछते हैं तो आपका जवाब होता है कि मैंने सिगरेट नहीं पीने का संकल्प लिया है, बीड़ी पीने का थोड़ी लिया है। तो आदमी कोई ना कोई बहाने इन व्यसन को करने के लिए खोज लेता है। व्यसन को छोड़ने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, मुल्ला नसरुद्दीन। वो अपनी पत्नी के साथ में मक्का मदीना गए, जो कि मुसलमानों का बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थान होता है। वहाँ जाकर के उनकी पत्नी ने बोला कि इतनी दूर आए हैं तो किसी चीज़ का संकल्प ले लो कि आज से हम इस चीज़ का परित्याग करते हैं। प्रायः सभी लोग जब बड़े तीर्थों में जाते तो कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के आ जाते हैं। पत्नी के कहने पर मुल्ला ने बोला, मैं क्या छोड़ूं? तो उसकी पत्नी ने बोला कि महंगाई का ज़माना है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, मछली बहुत महंगी आती है, और आपको मछली खाने की बहुत आदत है, तो इसलिए आप मछली का परित्याग कर दें। मुल्ला को भी बात जमी, उसने वहाँ पर संकल्प ले लिया कि आज से मैं मछली नहीं खाऊँगा। तीर्थ यात्रा करने के पश्चात जब गांव में वापस आए, तो हम सब जब कभी तीर्थ यात्राओं से या बड़ी लंबी यात्राओं से आते हैं तो गांव के लोग आते हैं मिलने के लिए, पूछते हैं। मुल्ला से भी सभी लोग मिलने के लिए आए, उनसे पूछा हालचाल, तो मुल्ला ने उत्सुकतावश पूरे गांव में बता दिया कि मैंने मछली खाने का नहीं खाने का संकल्प ले लिया है, अब मैं मछली कभी नहीं खाऊंगा।
दो तीन महीने अच्छे से निकल गए। अब 3 महीने के बाद में मुल्ला को मछली की आदत सताने लगी। मुल्ला ने अपनी पत्नी को बोला, भाई मछली बनने दो। तो बोले, आप क्या कमाल कर रहे हैं, आपने इतने बड़े तीर्थ स्थान में जा कर के मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है और आज आप बोल रहे हैं मछली बनने दो। बोले, पागल है, मैंने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है, उसके सुरुआ खाने का संकल्प थोड़ी लिया है, बनने दो। उसकी पत्नी ने मछली बनाई। जब वो उसको मछली परोसने लगी तो बड़े हाथ कांप रहे थे उसके, डर डर के वो कर रही थी। तो उसने बोला कि बेगम, आज आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं। तो उसने बोला, मुझे डर है कि कहीं कोई मछली का पीस ना चला जाए, क्योंकि आपने तो मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है। तो बोले, पागल है, मैंने इसका संकल्प थोड़ी लिया है कि जो अपने आप आना चाहती उसको नहीं खाऊंगा, जो अपने आप आना चाहती उसको आने दे। तो मित्रों, हम सब इसी प्रकार कोई न कोई बहाना बना लेते हैं और अपने व्यसन से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। जहाँ तक व्यसन छोड़ने का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि लोग उसे गलत तरीके से छोड़ते हैं। कोई व्यक्ति यदि दिन में 10 सिगरेट पीता है तो फिर उसको 5 कर देता है या 8 कर देता है, फिर 6 करता है, फिर 5 करता है, फिर 4 करता है, फिर 3 करता है। इससे क्या होता है कि उसकी हमको याद और ज़्यादा आती है और हवस बढ़ती है। यदि आपको सिगरेट छोड़ना है या किसी भी नशे को आपको छोड़ना है तो फिर आप एक साथ उसको इतना ज़्यादा कर लें कि उससे आपको घृणा हो जाए। यदि आप 10 सिगरेट पीते तो 20 पी लें, 30 पिएँ, तो उससे क्या होगा, आपको या तो बमन होगा या आपको चक्कर आ जाएगा, आपको उस चीज़ से घृणा हो जाएगी। और जब जिस चीज़ से हमें घृणा हो जाती है तो चीज़ ऑटोमेटिक छूट जाती है। लेकिन हमारे छोड़ने का तरीका अलग होता है, हम कम करते हैं, कम करने से और ज़्यादा इच्छा प्रबल होती है। उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, और जैसी ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी वो लत छूट जाएगी। आशा है मित्रों, मेरे द्वारा भेजे हुए वीडियो आपको पसंद आते होंगे, और पसंद आते हैं तो शेयर करना ना भूलें और अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आपको तुरंत जो नए आएंगे वो आपको प्राप्त होंगे। आशा है इस चैनल पर आप लोगों का, सभी का मेरे को भरपूर प्रेम मिलेगा। आगे भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों की जानकारियाँ आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। आज की बात समाप्त। ओम शांति।